बेटा फ्रूट चाट बना लो ना, इस तरह तो नहीं खाएगा, मैं जानती हूँ उसको आपको। जी आप लोगों ने बुलाया था? हाँ आओ बैठो। बेटा तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए, सोच रही हूँ तुमसे खीर बनवा लूँ। अरे हाँ आपा, बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने रसम भी हो जाएगी। सबा बेटा तुम्हें मीठे में क्या बनाना आता? नहीं नहीं मैं ये रस्म नहीं कर सकती, वो मेरी पढ़ाई बहुत टफ है ना, और वैसे भी मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मैं ये सब काम करने लग गई तो मैं पढ़ूंगी कैसे? और वैसे भी मेरे आने से पहले भी तो घर के सारे काम होते थे। मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे बहुत तैयारी करनी है, मैं ये चूल्हा चौकी तो नहीं कर सकती ना। लेकिन बेटा जेबू के भी इम्तिहान होने वाले हैं, उसे भी पढ़ना होता है। मैं आरेश से कहूंगी वो किसी फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर लूंगी जो किचन भी संभाल ले। वाह यहाँ तो बड़ी महफिल लगी हुई है, क्या बातें चल रही हैं? आरेश मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और ये सब मुझे घर का काम करने को बोल रहे हैं, इससे मैं कैसे पढ़ूंगी? क्या प्लीज मेरे लिए किसी फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर देंगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फुल टाइम मेड रख लेते हैं, तनख्वाह मैं दे दूंगा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। बेटा थोड़ा बहुत काम तो इंसान कर ही लेता है। मैं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सबा के एग्जाम्स होने वाले हैं, घर का काम तो मुलाजमा भी कर सकती है। ठीक है बेटा जैसे तुम लोग कहो। कब से स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे एग्जाम्स? बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी अच्छी चल रही है? हाँ। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अगर चाय मिल जाए एक कप तो। मैं अभी लाती हूँ। अम्मी क्यों परेशान होती, एक फुल टाइम मेड रख लेंगे ना, मैं दे दूंगा उसकी तनख्वाह।